डिप्रेशन, जिसे तनाव या स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें इंसान के अंदर किसी काम में सफल न होने पर या कोई घटना जो अंदर से इंसान को हिला देती है, उसमें इंसान तनाव या डिप्रेशन में जीने लगता है। आज के समय में ऐसा ही कोई हो जो तनाव, डिप्रेशन या स्ट्रेस से फ्री हो। आज की भागम भाग दुनिया में इंसान अपने जीवन की ज़रूरी चीज़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ और मानसिक संतुलन, उसको अनदेखा करके खुद को बहुत आगे निकालने के लिए दिन रात प्रयास में लगा है। आज इंसान हर तरह के रिएक्शन, चाहे वो सामाजिक रूप से हों, आर्थिक हों, जमीनी, कैरियर, पढ़ाई, पर्सनल लाइफ, दूसरों की लाइफ, कुछ भी हो, इन सब के कारण एक अलग माहौल में अपने मन, अपने सोच को पहुंचा देता है, जिसमें प्रयास के बाद भी उसमें कभी कभी किसी काम में सफलता न मिलने पर या देर से मिलने पर आज इंसान तनाव, डिप्रेशन में जीने लगता है। इस सिचुएशन में इंसान के अंदर एक अलग तरह की उदासी, सबसे अलग अकेलापन का एहसास और दुनिया को एक अलग नज़र में देखने लगता है। और आज पूरे विश्व में 90% बीमारी की वजह सिर्फ और सिर्फ यही डिप्रेशन, तनाव या स्ट्रेस है, और इसी के चलते धीरे धीरे इंसान को अंदर ही अंदर कोई दूसरी बीमारी जकड़ लेती है और डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर हम आज से 15 से 20 साल पहले की बात करें तो ये तनाव, डिप्रेशन नाम की बीमारी ना के बराबर थी। लोग अंदर से खुश रहते थे, लेकिन आज की चमकती दिखावटी दुनिया, भागम भाग और एक दूसरे से होड़ से भरी ये दुनिया में इंसान सिर्फ अपने काम मतलब में जीने लगा है। किसी को आपस में मिलने, किसी को समझने तक का टाइम नहीं। आज इंसान दौलत, जमीन, जायदाद तो खूब जोड़ लेता है, लेकिन जो सच्ची खुशी होती है अंदर से, वो आज के इंसानों में नहीं, सिर्फ दिखावटी मुस्कान के सिवा। बहुत ही कम लोग होंगे जो तनाव मुक्त और अंदर से खुश जीवन जीते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि अगर आप किसी कारण खुद को तनाव या डिप्रेशन में होना महसूस करते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपके अंदर एक अलग उदासी बनी हुई है, आप सोचने ज़्यादा लगे हो, एक अजीब सी बेचैनी आपको अंदर आपको बेचैन कर रही है, कोई चिंता या किसी प्रकार का दर्द, पछतावा, तो आप इन सबसे बाहर कैसे आ सकते हैं? दोस्तों, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको तरह तरह की सैकड़ों मेडिसिन दे दी जाएंगी, लेकिन तनाव, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद को खुद से बाहर ही निकाल सकते हैं। और आज मैं उसी डिप्रेशन से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट नंबर, अगर आप किसी कारण सच में तनाव में हैं तो सबसे पहले ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। अपने दिमाग और अपने मन को रिलैक्स मोड में रखिए। जो होना होगा वो होगा ही, आपके सोचने या ना सोचने से कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला है आपके साथ, बस इतना ध्यान रखिए। दूसरा नंबर यानी सेकंड नंबर, पानी का सेवन अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि पानी आपके नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता ही है, साथ ही आपके अंदर की घबराहट, बेचैनी को शांत करता है और आपके दिमाग को रिलैक्स करता है। थर्ड नंबर, अगर इस सिचुएशन में आपको अकेलापन पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेलापन में आप वो कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है करने में, चाहे वो आपकी हॉबी हो, घूमना हो, पढ़ना हो, कोई पेंटिंग हो, खाना बनाना हो, कुछ भी हो सकता है। फोर्थ नंबर, अपने परिवार जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, उनके साथ थोड़ा गपशप, हंसी मजाक जरूर कीजिए, चाहे तो किसी वक्त, इससे आपके अंदर एक सकारात्मक सोच आती है, आपको अंदर से खुशी मिलती है। फिफ्थ नंबर, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान की है अंदर से, जिसके कारण आप डिप्रेशन या स्ट्रेस में हैं, उसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि जो समय चला गया अब दोबारा ना आप ला सकते ना कोई, इसलिए पीछे जो हुआ उसको बिल्कुल भूल जाइए और जो आपको आगे करना है उसमें अपना पूरा फोकस कीजिए। सिक्स नंबर, अपने मन पसंद का खाना खाइए, जो भी आपको पसंद हो, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उनसे थोड़ा रोज बातें कर लिया करें, इससे आपको अलग एनर्जी मिलेगी। सेवंथ नंबर, जो लोग आपके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं, आपके खिलाफ कुछ बुरा सोच या आपको हमेशा मनोबल तोड़ते हैं, उनसे मिलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अगर मिलना मजबूरी है
तो ज़्यादा उनसे बात मत कीजिए, ना ही उनको अपना कोई कमजोरी या अपना कोई आगे का प्लान बताइए। 8 नंबर, अपने मन पसंद के गाने सुनिए धीमी आवाज़ में, लेकिन अच्छे वाले सैड सॉन्ग नहीं, बल्कि जो आपको जुनून और जोश देते हों अंदर से। 9 नंबर, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजारिए, क्योंकि उनकी अलग दुनिया होती है जिसमें आप अंदर से खुद के लिए अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के दिल साफ होते हैं। और सबसे लास्ट 10th नंबर, खुद की तुलना किसी से भी करना बंद कर दीजिए। आप जैसे हो सबसे बेस्ट हो, बस ये देखिए कहाँ कमी रह गई आपके काम में। आपकी लाइफ है, दूसरा कौन होता है आपकी ज़िंदगी का मालिक। आप सफल होंगे, खुद से वादा कीजिए और लग जाइए अपने काम में एक जुनून के साथ, क्योंकि आप एक योद्धा हो और आपका लक्ष्य एक युद्ध है, इसको आप ही जीतोगे, इतना ध्यान रखिए बस। तो दोस्तों, हमेशा अंदर से खुश रहिए, बिंदास रहिए निगेटिव सोच, और निगेटिव सोच वालों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि असली खुशी किसी पैसे दौलत अमीरी में डिपेंड नहीं करती। कोई बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है, तो कोई उसे फोड़ कर, तो कोई उसे उड़ा कर, और गरीब के घर में आई नई साइकिल भी अमीर के BMW कार से ज़्यादा खुशी देती है, क्योंकि अमीर शौक और पैसे कीमत देखते हैं, जबकि गरीब का पूरा परिवार साइकिल देखकर खुश होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं अतुल इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वीडियो